हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, तो आज हम बनाते हैं आलू दम बिरयानी, जो कि सभी को बहुत पसंद है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 बड़े आलू कटे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा गोलकी का पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला और दही। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे छोड़ देंगे। एक पतीली में पानी लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ सारे खड़े गरे मसाले। 2 कप चावल लिया है मैंने, इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। देखिए पानी में उबाल भी आ गया है, भाप की वजह से आपको वीडियो सही से नहीं दिख रही है, इसके लिए सॉरी। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हाथों चलाना, नहीं तो हमारा चावल टूट सकता है। देखिए हमारा चावल बन के रेडी है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, साथ में 1 चम्मच घी। घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा, तेज पत्ता। अब इसमें डालूँगी 4 कटे हुए बड़े प्याज। इसको अच्छे से भून लूँगी, प्याज जब लाल हो जाए तो। अब मैं इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल रही हूँ। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैरिनेट किए हुए मैं आलू डाल दूँगी और इसको ढक ढक के धीरे धीरे पकाती जाऊँगी। साथ में मैं ले रही हूँ धनिया और पुदीना का कटा हुआ। इसको धीरे धीरे चला लूँगी मैं। इसे ढक ढक कर हमें पकाना है। ये देखिए एक बार मैंने ढक के पकाया था। अभी मसाले इसे भुने हैं, प्याज तो गल चुके हैं थोड़े। अभी आलू देखती हूँ। आलू आलू नहीं पके हैं अभी। चलिए एक बार और ढक के पकाएंगे इसको हम। उसके बाद अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैं काट के ही डाल रही हूँ, पीस के नहीं डाल रही हूँ। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया। अब फिर से आलू चेक कर लेंगे। हाँ देखिए आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। एक प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में मैं डालूँगी पहले चावल, क्योंकि चावल डालने से ये जलते नहीं। सब्जी डाल देने से पहले सब्जी जल सकती है, इसलिए पहले चावल, फिर चावल के बाद ऊपर से सब्जी डालूँगी, फिर चावल डालूँगी, फिर सब्जी। इस तरह से लेयर लगाना है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ घी, इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लिए इसे ढक के मैं 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका ली हूँ। अभी देखिए हमारा बिरयानी बन के रेडी है। ये देखिए इसमें ज़्यादा मसाला मसाला नहीं है, एकदम हल्के हल्के मसालों से ही मैंने बनाया है, नॉर्मल घर के मसालों से ही बनाया है। इसमें आप केवड़ा जल, गुलाब जल भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।